नमस्कार, समाचार फर्स्ट में सभी दर्शकों का स्वागत। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री, आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी हैं, जिन्होंने अभी अभी जो है स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया है और बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि कोविड काल चल रहा है। सर, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। किस तरह की प्राथमिकताएँ रहने वाली है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल की बात करें तो? हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से एक ऐसा प्रदेश है जो काफ़ी आगे है और इसका श्रेय जो है स्वास्थ्य को लेकर के हमारी सरकारों ने जो नीतियां बनाई हैं और हमेशा स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं को जो है प्राथमिकता के ऊपर रखा है, इसमें बहुत बड़ा वो कारण है। लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। थ्री टीयर सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, उसमें हमारा जो है वो प्राथमिक स्तर है, उसके बाद हमारा जो है वो सेकेंडरी स्तर है, उसके बाद टर्शियरी स्तर है और प्राइमरी स्तर को मुझे लगता है और ज़्यादा मजबूती दी जाने की आवश्यकता है। हमारे काफ़ी सब सेंटर्स जो हैं वो खाली पड़े हैं, जहाँ पर हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो वहाँ पर नहीं हैं, और उसके बाद हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी जो है वो अभी रिक्तियाँ चली हुई हैं, और उसके बाद जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, यानी ये जो हमारा फर्स्ट ईयर है, इसको मजबूती प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, और ताकि हमारे जो अन्य दो स्तर हैं फिर उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा बोझ न पड़े और अति जब आवश्यकता हो, इमरजेंसी की स्थिति में या गंभीर रोग की स्थिति में ही व्यक्ति सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के जो हमारे, हमारा जो ये व्यवस्था है उसको जो है उसके उपयोग के लिए उसको जाना पड़े। सर, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में आपने स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार संभाला है, कितनी बड़ी चुनौती लगती है क्योंकि लगातार जो है मामले प्रदेश में बढ़ रहे हैं? कुल मामले आज जो हैं वो अभी तक की जो हमारे पास सूचना है 2834 मामले जो है वो हो चुके हैं। मामले बढ़ रहे हैं लेकिन अब उतना तीव्र गति से जो है मामले न बढ़ें, इसके लिए हमको जो है वो एहतियात के तौर पर उपाय करने होंगे और उपाय बहुत साधारण हैं। विभाग के स्तर पर तो जो मॉनिटरिंग जो है उसको और ज़्यादा जो है उसको सख्त स्ट्रिंजेंट उसको बनाए जाने की आवश्यकता है। संक्रमित व्यक्ति का संपर्क जो है वो अन्य लोगों से ना हो, और यही एक उपाय मात्र मैं इसको मानता हूँ जिससे जो है इस चेन को जो है वो तोड़ा जा सकता है। एक व्यक्ति जो है आगे किसी और व्यक्ति को संक्रमित करता है, उसके बाद वो किसी और व्यक्तियों को संक्रमित करता है, ये चेन जो इसी प्रकार आगे बनती चली जाती है। तो मुझे लगता है ये मॉनिटरिंग जो है इसको और ज़्यादा दुरुस्त इसको बनाना पड़ेगा और ज़्यादा सख्त इसको बनाना पड़ेगा। लोगों को भी अब पहले तो लॉकडाउन था और लेकिन मुझे लगता है अब अपने ऊपर भी कोई व्यवस्था स्वयं हमको लागू करनी पड़ेगी और हमारी जिम्मेदारी हमको जो है इस महामारी से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी भी जो है वो समझनी पड़ेगी। और ये जो तीन नियम हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और उसके बाद जो है मास्क का प्रयोग और तीसरा जो है सोप और सैनिटाइज़र का प्रयोग, बहुत साधारण प्रयोग हैं लेकिन इतने साधारण होने के बावजूद भी इनका असर जो है वो मैनीफोल्ड है, और इन तीन उपायों का ठीक प्रकार से व्यवहार में ला करके जो है हम इस आपदा को जो है हम मात दे सकते हैं। सर, लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, हिमाचल की हॉस्पिटल और स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है यदि आगे और ज़्यादा मामले बढ़ते हैं? व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं, हमारी बॉर्डर पर जिस प्रकार से जो मॉनिटरिंग हो रही है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है और उसके बाद जो है क्वारंटीन किए जाने की जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था पहले से लागू है, उसके बाद हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं, व्यक्ति जो एसिम्प्टोमेटिक है, और उसके बाद हमारे कोविड हॉस्पिटल्स हैं, कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं जो मॉडरेट सिम्टम्स को लेकर के फिर व्यक्तियों को वहाँ शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद हमारे कोविड हॉस्पिटल्स हैं, यानी सिवेरिटी ऑफ सिम्टम्स जैसे जैसे बढ़ती है, सिम्टम्स जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उसी प्रकार ऊपर के स्तर के जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर फिर पेशेंट को शिफ्ट किए जाने की जो है वो है। और मुझे लगता है अभी तक की जो तैयारियां हैं और जिस प्रकार अभी जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं। भविष्य में भी यदि मान लीजिए नंबर ऑफ केसेस काफ़ी बढ़ते हैं तो उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था है। बाकी समय समय पर जो है क्या करना है, किस समय क्या करना है, वो समयानुकूल जो है उस समय डिसीजन जो है वो विभाग लेगा, निश्चित तौर से लेगा। सर, अंतिम सवाल, ये तो रही कोविड की बात, इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं उससे भी बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, उसके लिए किस तरह का काम किया जाएगा और क्या प्लान रहेगा आगे के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के बाद ओपीडीज जो है वो शुरू करने का निर्णय जो है वो लिया गया विभिन्न अस्पतालों के अंदर।
क्योंकि काफ़ी दिक्कत जो है वो लोगों को आ रही थी। अन्य भी रोग हैं और कोविड से जो है वो मृत्यु जो है कम हुई है, लेकिन अन्य जो रोग हैं उनके कारण से मृत्यु जो है ज़्यादा जो है वो होती है। तो उसका भी उपाय जो है निश्चित तौर पर जो है वो करेंगे। सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलती रहें, और विशेष तौर से जो बहुत ज़्यादा जिनको आवश्यकता है मेडिकल एड की, तो किसी प्रकार से उसमें व्यवधान ना हो। अभी तक हुआ भी नहीं है। लोगों को घर घर जो है वो दवाई पहुंचाने की व्यवस्था भी जो है वो सरकार के माध्यम से हुई है। जो अति गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, कोई डायबिटिक्स हैं, अस्थमेटिक्स हैं, कोई हार्ट एलिमेंट से जो है परेशान जो लोग हैं, ऐसे लोगों की बराबर चिंता जो है वो सरकार ने की और भविष्य में भी सरकार करेगी। सर धन्यवाद आपका समाचार फर्स्ट से बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर राजीव साजल, जिनके पास स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग आया है। इनका यही कहना है कि कोविड से निपटने के लिए हिमाचल पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ साथ जो दूसरी बीमारियां हैं उनके लिए भी लोगों को पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। तो बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।